Okay, this is our first chapter, when, where and how. Okay, first of all we have to know about what is history. What is history? Can you tell me what is history? History is the study of the past. History tell us about past, what happened in the past. History tells us about the king, their cultural life, their religious life, different traditions, and their different kinds of villages, what type of clothes they use, what type of utensils, ornaments, jewelry, so many things we will know about history by studying history. Now, history is a continuous and systematic record of past event. Continuous? No, we will explain it briefly. Okay, you have already read this chapter. Now I am explaining this chapter again. History is a continuous and systematic record of past event. Those who study the subject as a profession are called, who study the history are called? Historians. Yes, very good. What is the importance of history? Why do we study history? हम history को क्यों पढ़ते हैं बताइए? Why studying history? Because we study history because we know about past. Yes. Yes. It tells us culture, about past. Country. Yes. Our country, our culture, our tradition, our religious life. So many things. That's why we will read history. History is, if we don't study history, we don't know about the past. History is also connected to the past. History parts से connected है. जैसे कि family history होती है, आपके grand parents हैं, फिर parents हैं, तब आपकी generation आती है. इसी तरह से एक world की भी history होती है, किसी nation की भी history होती है, हर एक चीज़ की history होती है. By studying history, we get to know about our country and the world. हमें history की study करने से हमें हमारी country और world के बारे में पता लगता है. और why India has such a variety of food, festival and languages? Why it is that the religion Islam is practiced in so many countries of the world? ये सारी चीज़ें हमें history से पता लगती. हम अपनी सोसाइटी, कल्चर और वर्ल्ड को हिस्ट्री से ही जानते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी, हमारे वर्ल्ड, हमारे कल्चर, क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हुई हैं. हिस्ट्री को पढ़ने से ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है. नाउ history teaches us how the terrible wars of the past have led to havoc and the destruction. History से हमें past के wars और कितनी destructions थी, इस तरह की wars के बारे में भी पता लगता है. जैसे हमारे जो great freedom fighter थे, leaders थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, ये सब लोगों के बारे में हम at present तो वो है नहीं, तो उनके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? हिस्ट्री में, हिस्ट्री को पढ़ के ही तो पढ़ेंगे ना. हिस्ट्री को जान के ही तो हमें पता लगेगा कि इन लोगों ने कैसे, फ्रीडम फाइटर ने हमारे कंट्री को फ्री कराने के लिए एफर्ट्स किए, ये सारी चीज़ें. हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द कल्चर, हमारे कल्चर के बारे में बताती है. वेरियस कंट्रीज, हमारा कल्चर और दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में भी बताती है. और ये दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ऑल सोसाइटीज़ एंड कल्चर. इससे हमें और सोसाइटीज़ और कल्चर्स की रिस्पेक्ट करने की भी बारे में भी पता लगता है. हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? हीरोडोटस. हाँ, हेरोडोटस इज़ नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री. द नेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस. यस, इंडस रिवर्स. द ईरानियन एंड द तुर्क्स केम टू इंडिया अबाउट 2500 ईयर अगो. तब उस रिवर का नाम, नेम ऑफ हिंदूज और इंडस एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ दिस रिवर केम टू बी कॉल्ड एज इंडिया. और इस रिवर के नेम से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया.
सिमिलरली भारत द अदर नेम बाय विच अवर कंट्री इज कॉल्ड, हम अपने देश को भारत भी बोलते हैं, तो वो भारत नाम कैसे पड़ा? द नेम भारत द नेम ऑफ अ रूलिंग आर्यन क्लैन दैट फाइंड्स मेंशन इन द ऋग्वेद, जिसका ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है, गुरु आर्यन राजा थे भारत, राजा भरत, उनके नाम से हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, अब हिस्ट्री को टू पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री। यस, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, वो पीरियड था प्री हिस्ट्री का। देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड्स। यस, तो आर्कियोलॉजिस्ट, हु इज आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? यस, द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, यस, वाइल डिगिंग थिंग्स और रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो पास्ट के रिमेन्स की स्टडी करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मतलब स्टडी करे, जब उनके पास रिटन रिकॉर्ड नहीं थे, तो उस पीरियड को उन्होंने प्री हिस्ट्री के नाम से बताया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री के वो प्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म भी यूज़ होती है, सी ई और बी सी। अब सी ई का मतलब क्या है बताइए? सी ई टर्म, सी ई इज यूज फॉर कॉमन एरा, यस कॉमन एरा, एंड बी सी ई मीन्स बिफोर कॉमन एरा, यस कॉमन एरा। सी ई इज यूज, यस, जो बी सी ई है वो क्राइस्ट के बर्थ के, बर्थ के पहले का पीरियड है, और सी ई है जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद का पीरियड है, बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। तो क्राइस्ट के बर्थ से हम ए डी भी बोलते हैं उसको, एनो डोमिनी और सी। ओके, अब क्राइस्ट ए डी, ए डी मीन्स एनो, यस ए डी इज एनो डोमिनी। ओके, बी सी मतलब बिफोर कॉमन एरा, तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले का पीरियड, बिफोर, फिर एडी मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद का पीरियड। तो क्राइस्ट का जो बर्थ का ईयर है उसको हम जीरो से मार्क करते हैं, तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले के ईयर बैकवर्ड काउंटिंग में चलते हैं, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले ईयर जीरो से वन टू थ्री इस तरह से काउंटिंग में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बी सी बिफोर क्राइस्ट इज ऑलवेज काउंटेड बैकवर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 100 बी सी कम्स बिफोर 99 बी सी, कम्स बिफोर, बैकवर्ड काउंटिंग चलती है इसमें बी सी वाले पीरियड में, पहले 100 आएगा, देन 99, देन 98, देन 97, इस तरह से इसमें पीरियड चलते हैं। और ए डी है जो एनो डोमिनी है, ये द बर्थ, द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज ए डी, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो पीरियड हैं वो ए डी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो जीसस क्राइस्ट के बाद, बर्थ के बाद में 2000 ईयर, 7 ईयर है, वो एडी है, यानी वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का ईयर है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी यहाँ पे है, क्रोनोलॉजी इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। क्रोनोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो डेट्स और इवेंट्स के साथ डील करता है। अब यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है ना, दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब इस फ्लो चार्ट को समझने से हमें पूरा हिस्ट्री वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, टू सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटररी। आर्कियोलॉजिकल में कौन कौन से आते हैं? मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, कॉइंस। आगे इन्हीं को ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। लिटररी में आ जाते हैं आपके रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस होते हैं जो आपके रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, नॉन रिलीजियस जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं। यस, लाइक उपनिषद, वेदास, रामायण एंड महाभारत। और नॉन रिलीजियस में आ जाते हैं प्लेज, ड्रामास, पोएट्स आते हैं, पोएट्री और प्रोज आ जाते हैं, और फॉरेन पिलग्रिम्स हैं जो उन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे हैं उनके आ जाते हैं। ओके मैम, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आ जाता है बताइए?
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाता है मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स। यस देखिए, ये मौर्य एम्पायर का ये सांची स्तूपा की पिक्चर है, ये आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ये तो मॉन्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं जो अभी तक सर्वाइव्ड हैं, ठीक है। दीज आर द डायरेक्ट एविडेंस दैट गिव अस आइडियाज अबाउट द पास्ट। रुइंस ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कोई बिल्डिंग जो टूट गई है अभी भी उनके कुछ रुइंस बचे हुए हैं, या कुछ टूल्स हैं, या कोई इक्विपमेंट्स हैं, या कुछ वेपन्स हैं जो जो अभी भी यस अभी जैसे कुछ कॉइन्स हैं, पीसीज हैं, पॉटरी है, ज्वेलरी है, स्टोन्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी भी हैं, तो इन रिमेन से हमें ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देते हैं। अब इसमें देखिए मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, मॉन्यूमेंट्स के अंदर ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, या कोई भी स्तूपाज, विहारास, मोनेस्ट्रीज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे बिल्डिंग, ये आपको एक पिक्चर दिखा रखी है सांची स्तूपा की, जो अभी भी एग्जिस्ट है, और ये सबसे बड़ा स्तूपा है, मौर्य एम्पायर है। ये सांची स्तूपा बनाया है ना, सांची स्तूपा की बिल्डिंग है। आगे देखिए इंस्क्रिप्शंस, मैम कहाँ पे ये सांची स्तूपा आपका है? ओके बेटा, मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगी, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है कि ओके मैम। इंस्क्रिप्शन, अब इंस्क्रिप्शंस देखिए, इंस्क्रिप्शंस होता क्या है? रिटन रिकॉर्ड, यस यस, एनग्रेव्ड ऑन पिलर, स्टोन, बोल्डर्स, यस रिटन रिकॉर्ड्स हैं ये, एनग्रेव्ड होंगे पिलर्स पे, स्टोन्स पे या बोल्डर्स पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह के रिमेन्स हैं, जो जैसे अशोका पिलर हैं उन पे अभी भी ये एनग्रेव्ड हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, अभी भी लिखे होंगे। ये देखिए पहले जमाने में, जैसे हम अभी हिंदी बोलते, पहले जमाने में इंस्क्रिप्शंस, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, उसमें ये इंस्क्रिप्शन नोट डाउन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी है, जो इसकी, जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, वो एपिग्राफी होती है। ओके मैम। अब यहाँ पे देखिए कॉइन्स, तो जो पुराने जो किंग्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे, उनके अपने कॉइन्स थे, ठीक है, उनके कॉइन्स के ऊपर, यस कॉइन्स थे उस पे, वो या तो उनकी कुछ किंग्स की पिक्चर्स थी, या उस पे कुछ डेट तभी होता था ना कि किसी गॉड की पिक्चर हो सकती थी, गॉड की थी या किंग्स की, या उस पे कुछ डेट, या कोई एनिमल, या कोई ऐसा, या कुछ प्रेजेंट किया होता था, जो कि ट्रेड और कॉमर्स बताते थे उस टाइम के, उस टाइम का ट्रेड और कॉमर्स को शो करता था। ओके ओके मैम। लिटरेरी सोर्सेज, अब यहाँ पे देखो लिटरेरी सोर्सेज, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, मोस्ट ऑफ द बुक्स वर हैंड रिटन एंड वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता ही है, मैन्यूस्क्रिप्ट आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, एंड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट लिटरेरी सोर्सेज इन द बिगनिंग पीपल रोट ऑन द स्टोन वॉल्स, स्टोन की वॉल्स पे लोग लिखते थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे, और बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज पे भी वो लिखते थे। ये देखिए यहाँ पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट दे रखी है, ये बार्क ऑफ ट्रीज पे ही लग रही है मुझे। अब ये देखिए रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर में जो गॉड से रिलेटेड बुक्स होती हैं वो आती हैं, जिसमें आपके एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदास, रामायण, महाभारत, वेदास, यस ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके। यस आर्टिफैक्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड बेटा, आर्टिफैक्ट्स में देखिए पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, ज्वेलरी, ये बताया तो था मैंने आपको। यस मैम। रिलीजियस लिटरेचर, अब रिलीजियस लिटरेचर में देखिए यहाँ पे The religious book of Jain and the Jataka tales of the Buddhists also give us information about the Jainism and Buddhism. The religious books हैं
जो जैन और बुद्धिज्म की है वो भी हमको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमें उस टाइम के कल्चर, ट्रेडिशन, उस टाइम के राइट और रॉन्ग एक्शंस, उन हमारे जो ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन सब चीज़ों के बारे में जो रिलीजियस लिटरेचर है वो नॉलेज देता है। सेकुलर और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, अब नॉन रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो ड्रामा ड्रामास, यस, जो हमारे कंट्री में किंग्स की जो स्टोरीज पार्ट हैं, जो आई डोंट गेट पोएट्री और प्रोज थिंग्स। हैं, प्लेज हैं, कोई ऐसी बुक्स हैं जो नॉन रिलीजियस हों, जो गॉड से रिलेटेड नहीं होती हैं, कोई बुक्स मेडिसिन पे हैं, साइंस पे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फेमस पोएट कालिदासा का रिटर्न है, वो है उनका प्ले है अर्थशास्त्र। मैम दो लोग भी आए थे चाइना से, फैन हाँ, हीन यस एंड फैन यस यस, जुगा, और इसमें हमारी फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट में है, फाहयान, हाँ फाहयान एंड ह्यानस्तैन, संगम लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आज आपकी आ जाती हैं इसमें, नॉन रिलीजियस में, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में। मेजॉरिटी ऑफ दीज एंशियंट बुक्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड पाली लैंग्वेज, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। ये सारे, होती है। यस, क्या हम बोल, वेयर डज द प्राकृत लैंग्वेज यूज। प्राकृत लैंग्वेज अब यूज़ नहीं होती बेटा, पहले ही यूज़ होती थी, अभी यूज़ नहीं होती, ये पुराने टाइम के पीरियड में यूज़ होती ओके थी। अब ये देखिए, नॉर्थ, जो नॉर्थ इंडिया में था ना, वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ होती थी, संस्कृत, प्राकृतिक एंड पाली, और जो साउथ इंडिया है वहाँ पे तमिल। ये सारी जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर पीरियड की सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताते हैं, द ज्योग्राफिकल फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप नज़र आ रहा है ना, अब हिस्ट्री और यस ज्योग्राफी मैम आपस में इंटरकनेक्टेड है, ज्योग्राफी का भी बहुत इस पे इन्फ्लुएंस है। हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो ये इसका बहुत इन्फ्लुएंस है ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे भी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, ओशंस, जिसमें आपके कोस्टल प्लेन्स आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल फीचर्स में आती हैं। अब यह देखिए, ज्योग्राफी, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड, थ्री साइड से सी से सराउंडेड है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हिमालयज इन द नॉर्थ, बट देर आर सेवरल माउंटेन पासेस थ्रू विच पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ईरान एंड अफगानिस्तान कीप कमिंग टू इंडिया। बहुत सारी माउंटेन्स हैं जो सेंट्रल एशिया, जहाँ से लोग आते हैं सेंट्रल एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से, जो इंडिया में आते हैं। इंडिया इज ऑल्सो लैंड ऑफ रिवर्स, जिसमें ये रिवर्स इंडिया को बहुत फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे मैम देखिए, लाइक हिमालय रिवर्स गंगा यस, रिवर। हिमालय से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, और हिमालय एज ए प्रोटेक्टर भी हमारा काम करता है बहुत यस मैम हमें। बिकॉज हिमालय यस हमको चाइना से बचाता है। यस, द फर्स्ट सेटलमेंट एंड द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर वर इंडस, गंगा और नर्मदा। ये देखिए, जो सेटलमेंट थी अर्लीस्ट सिटीज़ की, वो इन्हीं रिवर्स पे थी। यहाँ पे आ गई इंडस, गंगा और नर्मदा, इन रिवर्स के बैंक पे ही ये फर्स्ट सेटलमेंट हुई थी अर्लीस्ट सिटीज़ की। और इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके इट हैज़ एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशनशिप विद, इसने मतलब बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी, ट्रेड की रिलेशनशिप भी की है। द लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑल अलॉन्ग द नॉर्दर्न बाउंड्री प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द सिवियर कोल्ड। अब ये देखिए, जो नॉर्दर्न बाउंड्री की लॉन्ग वेव है, इंडिया को सिवियर कोल्ड से बचाती है, वरना ये नॉर्दर्न बाउंड्री नहीं हो तो बहुत, इंडिया बहुत बहुत कोल्ड रीजन हो जाएगा। पीपल ऑफ इंडिया, देयर फूड, क्लोथ, कस्टम, ट्रेडिशन ऑल रिवॉल्व्ड इन दीज कंडीशन, इट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी। अब इसी तरह से इंडिया के फूड, क्लोथ, कस्टम और ट्रेडिशन से भी जो इसकी जोग्राफी से बहुत इन्फ्लुएंस है, यानी जिस रीजन में आप रहते हो उसी तरह के कपड़े पहनोगे, उसी तरह का खाना खाओगे ना, तो किसी भी जो उसकी लोकेशन है वो बहुत ही कंसर्न रहती है जहाँ पे आप रहोगे। जैसे अगर ठंडे एरिया में रहोगे तो ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े पहनोगे,
और अगर गर्म एरिया में रहोगे तो आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे. इस तरह से ज्योग्राफी का बहुत इन्फ्लुएंस है. एट द सेम टाइम एज वेयर डू यू नो दैट एंशियंट स्क्रिप्ट हैव टू बी डिकोडेड बाय द स्कॉलर्स. अब देखिए जो एंशियंट स्क्रिप्ट को डिकोड करने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट. जो पुरानी पुरानी बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको जो स्कॉलर्स हैं डिकोड करते हैं, उनको मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको डिकोडिंग के जो मेथड है उसको डेसिफरमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्यूनिफॉर्म पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग क्रिएटेड बाय द सुमेरियंस. जो क्यूनिफॉर्म है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, वो राइटिंग की अर्लीस्ट फॉर्म है जो सुमेरियन ने क्रिएट की थी. और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर फाउंड द वेस्टर्न इंस्क्रिप्शंस इन पर्शिया और मॉडर्न ईरान. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट फाइनली द सुमेरियन स्क्रिप्ट वाज डिकोडेड और डेसिफर्ड. ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था लेकिन फिर भी जो सुमेरियन स्क्रिप्ट थी उसको डिकोड किया गया. द स्क्रिप्ट वाज रिटन ऑन वेट क्ले टैबलेट्स विद अ ब्लंट रीड कॉल्ड स्टाइलस. वेट क्ले टैबलेट्स पे इस स्क्रिप्ट को लिखा गया जिसको स्टाइलस बोला जाता है. लेटर दे वर सन ड्राइड, फिर उनको सुखाया जाता है. द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द स्टाइलस वॉज वेज शेप्ड, दस गिविंग राइज टू द नेम क्यूनिफॉर्म और वेज शेप. फिर जो इम्प्रेशन पड़ता है उसको क्यूनिफॉर्म और वेज शेप्ड बोला जाता है. अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आ गई हैं आपकी हिस्ट्री. द पीरियड ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ प्री हिस्ट्री, द पीरियड व्हेन राइटिंग हैड नॉट बी invented. Or archaeology, the study of the remains of the past. Monuments, the building of historical importance. Inscriptions, written records engraved on pillar rocks, clay tablets, matters. Yes. Artifacts, human-made objects found at archaeological sites. Yes. Human-made objects of the past found at archaeological site. Manuscript. Handwritten documents. Yes, simple. Handwritten documents. Cuneiform. The earliest form of writing. The earliest form of writing. Yes. Yes, we will revision flowchart देख लीजिए एक बार. Revision flowchart. आपको मैंने वैसे बता ही दिया हुआ उसमें है ना ऊपर. अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए ये सारा. वैसे आपने आपको आता है द नंबर ऑफ पीरियड्स विद द हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द पास्ट इन टू यस. The study of family history is genealogy. Genealogy. Is known as the father of history. Herodotus. The religious books which give us information about. Yes. Any building of historical significance is called. Monument. Yes. Monument. Those who study history as a subject are called. Historians. Yes. Historians. And dash excavate materials of the past. Archaeologist. Written records engraved on hard surface. Inscription. Yes. The period when early man did not know the art of writing. History. Yes. Dash deal with sequence of dates and events. Chronology. Yes. The year after the birth of Jesus Christ is written as BC. Yes. Upanishad, Vedas and Mahabharata are the religious literary sources. Yes. True. Geographical features also influence the history of India. False. True. It's true. It's true. It's not if false. False. नहीं बेटा ये फॉल्स नहीं है. इन्फ्लुएंस करते हैं. अभी मैंने बताया ना ज्योग्राफिकल फीचर हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ ऑफ अ नेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रू द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग डेसिफरमेंट इज ट्रू. हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस्टेक इन द फ्यूचर. यस. यू ऑल नो दिस अंजन. वॉट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. फोर ग्रेट पर्सनैलिटीज हू टॉट अस टू ह्यूमन वैल्यूज. महात्मा गांधी, गुरु नानक, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद. यस. ग्रेट इंडियन एपिक्स. What two great Indian? Yes, very good. What is the difference between prehistory and history? Prehistory when writing has not been invented. History is the study yes. of the written record of the events yes. of the past. Prehistory में writing is not invented and history में written records थे. Decipherment.
the process of decoding the acid is called dismemberment. Yes. Teeth are called dismemberment. Ab genealogy and prehistory. Yes, when writing it. I think this chapter is clear to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am.